हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद आज सुबह मंडी की बलघाटी के कंसा स्थित सुकैती खड्ड किनारे अंतिम संस्कार किया गया। हमीरपुर के 52 वर्षीय पीड़ित ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा था। उन्हें 25 वर्षीय बेटे ने मुखाग्नि दी। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 75 हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा भी 3 हो गया है। कोरोना पॉजिटिव के शव को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज से दाह संस्कार वाले स्थान पर लाया गया। शव को लाते समय मेडिकल कॉलेज टीम और रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीपीई किट पहनी गई थी। प्रशासन द्वारा मृतक के बेटे शुभम और अन्य दो परिजनों को भी पीपीई किट पहनाकर मौके पर लाया गया। मृतक के बेटे शुभम व परिजनों द्वारा शव के चेहरे को अंतिम बार दिखाकर सुबह 8:54 पर शव को मुखाग्नि दी गई। दाह संस्कार के दौरान प्रशासन द्वारा हिंदू रीति रिवाजों की पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया। परिजनों के साथ मृतक की संबंधित ग्राम पंचायत लड़ाक के प्रधान राकेश भी मौजूद रहे। दाह संस्कार के समय मौके पर एसडीएम बल आशीष शर्मा, एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉक्टर देवेंद्र शर्मा व उनकी टीम, वीडियो बल और रेडक्रॉस मंडी के सचिव ओपी भाटिया टीम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज ये जो कोविड पेशेंट जिसकी कल शाम को डेथ हुई है उसका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमने अंतिम संस्कार कर दिया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की प्रोटेक्शन टीम्स की निगरानी में और जो हमारे पूरे के पूरे रेड क्रॉस का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी टीम ने वॉलंटरी किया इसका अंतिम संस्कार करने के लिए। हमने जो पंडित बुलाए हैं उनको भी पीपीई किट वगैरह प्रदान की गई और पूरी हिंदू रीति रिवाज को के अनुसार इसका अंतिम संस्कार किया गया है। स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।